हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर अग्रिमा रावत। सो वी हैव बीन डूइंग चैप्टर नंबर 7, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सो इन दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट देर आर फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज। फर्स्ट वाज योर एपिथेलियल टिश्यू, देन सेकेंड वाज द कनेक्टेड टिश्यू, थर्ड वाज द मसल टिश्यूज, एंड द फोर्थ वन दैट इज द लास्ट वन, that is neural tissue. Okay, we have already talked about the first three. Now we are going to talk about the neural tissues. So moving towards that, okay, here we come to the neural tissue. So neural tissue is, it is actually related to the nervous system of our body. Nervous system, that is including our brain, our nerves in our body, spinal cord in our body. So all these are having the neural tissue. They are all are having the cells, that the cells are present here. Okay, the basic particular type of cells or tissues are going to be present here, so that the functioning of brain, nerves, spinal cord, it can happen. Okay, so let us talk about that. So neural tissue exert a great control over the body responses to changing conditions. That means जो neural tissues होते हैं वो हमारी body किस तरीके से बाहर के environment change होते रहते हैं, तो हमारी body उस change के accordingly अपने आप को कैसे ढाले, उसको क्या response करे, ठीक है, ये सब कौन पता कर रहा है आपकी, ये सब पता करने के लिए, ये सेंस करने के लिए न्यूरल टिश्यूज वर्क करेंगे। लाइक एन एग्जांपल, इफ़ इट इज़ वेरी हॉट आउट देयर, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है बाहर, तो आपकी बॉडी उससे आपका एक रिस्पांस आता है ना, आपकी बॉडी का क्या रिस्पांस आएगा, पसीना आने लगेगा। दैट रिस्पांस हैज़ बिन गिवन बिकॉज यू हैव सेंस्ड दैट हीट अराउंड यू, राइट। सो आपकी बॉडी ने सेंस कैसे किया, वो न्यूरल टिश्यूज हेल्प कर रहे थे इस चीज़ में। ओके, सो नाउ दिस इज द टिश्यू। सो टिश्यूज आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड ऑफ द सेल्स। टिश्यूज किससे बने होते हैं, सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो सेल्स कौन सी हैं बेसिकली, जो कि आपकी न्यूरल टिश्यूज को फॉर्म करिए, दैट इज न्यूरॉन। ओके, न्यूरॉन इज द सेल दैट कंपोजेस न्यूरल टिश्यू। ओके, सो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन एक ऐसी सेल है जिसकी शेप एक ब्रांच, एक ट्री जैसी है, ठीक है। अगर हम इसका शेप देखें, यहाँ पे भी आपको पिक्चर में दिखा रखा है, पर एक पर्टिकुलरली हम थोड़ा सा ढंग से देखेंगे इसे। सो कुछ आपकी यहाँ पे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हमें, ओके, सो दिस इज समहाउ द स्ट्रक्चर, इट इज नॉट दैट प्रॉपर, बट इट इज़ गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड वॉट एक्चुअली न्यूरॉन इज। ओके, तो जैसे आपको पिक्चर में भी दे रखा है, बट ये थोड़ा सा क्योंकि बिल्कुल एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक वाला दिखा रखा है आपको, तो आपको इतना ईजिली समझ नहीं आएगा, बट यहाँ पर आपको पिक्चर से मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकती हूँ इसे। सो दिस इज द न्यूरॉन, एक न्यूरॉन है और ये बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर आपका न्यूरल टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। तो ये सेल्स कैसी होती है, एक्साइटेबल सेल्स। अब एक्साइटेबल सेल्स हम अगर इन्हें बोलें, तो एक्साइटेबल सेल्स क्या हैं, क्यों हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले हम इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, सो दिस सेंटर पार्ट, दिस पार्ट, इट इज़ कॉल्ड एज सेल बॉडी।
इसको क्या कहेंगे, सेल बॉडी, ठीक है। अच्छा, ये जो धागे धागे से निकल रखे हैं इसमें, दिस इज कॉल्ड एज डेंड्राइट, ठीक है, क्या बोलते हैं ने, डेंड्राइट, ओके। ये जो सेंटर में आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, हर ये एक सेल है, तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस तो होगा ही, तो दिस इज द न्यूक्लियस, ओके। देन दिस पार्ट, दिस लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट, इट इज कॉल्ड एज एग्जॉन, ठीक है, ये क्या है, एग्जॉन है। और दीज आर द नर्व एंडिंग, इन्हें कहते हैं नर्व एंडिंग। ये काम किस तरीके से करती है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़े से ये सब चीज़ें मिटानी पड़ेगी। ओहो, हमारा ठीक है, ओके। सो अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए दिस इज योर स्किन, ये आपकी स्किन है ग्रीन कलर की, ये स्किन है, आपको एकदम से यहाँ पे हीट हो गई, यहाँ पे बहुत गर्म हो गया बाहर, तो स्किन पे गर्मी लगी, तो ये सिग्नल किन पे गया, ये डेंड्राइट्स फैले हुए हैं ना, इनके ये हाथ जैसे समझ लो, ठीक है, ये फैले हुए हैं, तो ये बहुत इजीली कोई भी सेंसेशन आएगी तो उसे पकड़ लेंगे, ठीक है, सेंस कर लेंगे। तो कोई सी भी डेंड्राइट जिस पे भी सबसे पहले सिग्नल पहुंचा, उसने ये सिग्नल को पकड़ लिया और डेंड्राइट से होते हुए ये सेल बॉडी तक पहुंचे सिग्नल, ठीक है, सेल बॉडी तक आ गए। बाहर जो आपकी ये जो भी सिग्नल था, उस वो न्यूरॉन के अंदर आते ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिल जाता है, एक जैसे इलेक्ट्रिसिटी का झटका होता है ना, शॉक होता है, कुछ वैसा ही फील होता है ये, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन जाता है सेल के अंदर आते ही। अब ये यहाँ से मूव होता हुआ एग्जॉन से गुजरेगा, ठीक है, एग्जॉन से कहाँ पहुँचेगा, नर्व एंडिंग पे पहुँचेगा, ओके। अब नर्व एंडिंग पे पहुँचा है, तो नर्व एंडिंग पे आपकी ये जो लास्ट में गोले गोले से दिखाई दे रहे हैं ना, वो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, इन्हें बोलते हैं नोड्स, और इनमें प्रेजेंट होते हैं केमिकल्स, ठीक है। जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस नोड्स तक पहुंचता है, तो ये केमिकल्स रिलीज करते हैं, ठीक है। अब इस न्यूरॉन के नीचे एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे आप मान लो एक और न्यूरॉन प्रेजेंट है, इसने भी डेंड्राइट है इसके, ठीक है, ये सिग्नल पकड़ने के लिए। और एक मिनट, इनके बीच में जो दो आपके जो आपके दो न्यूरॉन्स हैं, इनके बीच में जो गैप होता है, साइनैप्स कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, साइनैप्स। तो होगा क्या कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल देगा, दूसरा न्यूरॉन तीसरे को देगा, ऐसे करके ये पहुंचाएंगे सिग्नल ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम, ये आपका एक दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, यहाँ पे नर्व एंडिंग है इसकी भी, सेम टू सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है, ओके। सो हुआ क्या, यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपका जैसे ही नर्व इम्पल्स इस नोड तक पहुँचा, तो इस नोड ये नोड फट गए और इन्होंने केमिकल्स रिलीज कर दिए, ठीक है। केमिकल्स कहाँ पहुँचे, साइनैप्स में, जो खाली जगह थी ना दो न्यूरॉन्स के बीच में, वहाँ पे पहुँचे, और फिर वो केमिकल्स को किसने पकड़ लिया, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट ने, और वो सिग्नल केमिकल फॉर्म में था साइनैप्स में, बट वो जैसे ही आपका न्यूरॉन ने उसे पकड़ा, डेंड्राइट ने उसे कैच किया, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज हो गया, और फिर ये इस न्यूरॉन से होता हुआ गुजरेगा और फिर नर्व एंडिंग पे जाएगा। ऐसे ही आगे की तरफ भी यहाँ पे न्यूरॉन्स लगे होंगे और ये सिग्नल को आगे पास ऑन करेंगे जहाँ तक उसे पहुँचाना है, ठीक है। ये न्यूरॉन्स हमारी स्किन में हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हर स्किन के नीचे हर जगह प्रेजेंट होते हैं, तभी तो हमारी बॉडी में कहीं पर भी आप हल्का सा पिंच कर लो तो सेंस हो रहा है,
ठीक है, अगर आपकी बॉडी में फील नहीं हो रहा है कहीं पे, कोई बॉडी पार्ट आपको फील नहीं हो रहा है, किसी को पैरालिसिस हो जाता है, तो इसका मतलब उसके न्यूरॉन्स, उसके नर्व सिस्टम काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो एक्साइटेबल सेल्स क्यों कहा, क्योंकि एकदम से एक्साइट हो जाती है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स एकदम से झटका सा लगता है, तो एक्साइट हो गई एक तरह से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और, ये सब चीज़ें आपने शायद पढ़ी होंगी नर्व सेल्स के बारे में प्रीवियस क्लास में, आई थिंक 9th क्लास इट इज़ ऑल्सो हैविंग दिस टॉपिक, बट आपने एक चीज़ यहाँ पे नहीं पढ़ रखी है, दैट इज़ द न्यूरोग्लिया। ठीक है, न्यूरोग्लिया इज़ अ टाइप ऑफ सेल। ठीक है, यहाँ पे न्यूरोग्लियल सेल या न्यूरोग्लिया सेल बोथ आर सेम। सो न्यूरोग्लियल सेल क्या होती हैं, यहाँ पे आपके न्यूरॉन्स के साइड साइड में कुछ सेल्स आपकी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कुछ सेल्स आपकी प्रेजेंट होती हैं, इन ये एक्साइटेबल सेल्स नहीं होती, ये ऐसी न्यूरॉन जैसे सिग्नल लेके जा रही हैं, इनका काम ये नहीं होता, सिग्नल ले जाना बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे प्रेजेंट होती हैं, आपके जहाँ पे न्यूरॉन्स वहाँ पे उनके साइड साइड प्रेजेंट रहेंगी ये, बट ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं इन जनरेट करती, नहीं प्रोड्यूस करती। तो इनका काम क्या है फिर, ये सेल्स तो हैं पर इनका कुछ ना कुछ काम तो होगा, जब इनका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने का काम नहीं है तो क्या काम है? इनका काम है न्यूरल सिस्टम को प्रोटेक्टेड रखना और सपोर्ट करना। ठीक है, न्यूरॉन्स जो हैं आपकी उनको प्रोटेक्शन देना, उनको सपोर्ट करके रखना, ये काम किसका है, न्यूरोग्लियल सेल्स का या न्यूरोग्लिया सेल्स का। ठीक है, तो न्यूरल सिस्टम, न्यूरल टिश्यू जो हैं आपके, उसका आधे से भी ज़्यादा पार्ट न्यूरोग्लिया सेल्स बनाती हैं। तो मतलब नर्वस सिस्टम में आपकी न्यूरॉन्स उतनी ज़्यादा नहीं है, जितनी उससे ज़्यादा आपकी न्यूरोग्लिया सेल्स हैं। ठीक है, जो कि न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन देंगी, सपोर्ट देंगी, क्योंकि ये भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ये जो न्यूरॉन्स हैं वो प्रोटेक्टेड ही नहीं रहेंगे तो फिर फ़ायदा क्या। ठीक है, तो इनका काम ये कुछ इस तरह का है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये सेल्स ही हैं, ठीक है, ये सेल्स ही हैं, इनके साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज़रूर होगी, तो इसकी जो बाहर की आउटर लेयर होगी न्यूरॉन की, वो आपकी किससे बनी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनी होगी। तो अभी हम लास्ट की लाइन समझेंगे, वैसे मैंने आपको ये सारा समझा दिया है, बट तभी भी लास्ट की लाइन में आपको समझा देती हूँ, तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा, तो आपको ऐसा ना हो कि कन्फ्यूजन हो। ठीक है, सो लेट अस रब इट आउट। सो इट हैज़ बिन गिवन हेयर, व्हेन अ न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड मतलब कोई सिग्नल पहुंचा उस तक, न्यूरॉन तक। ठीक है, अगर आपका टर्म आता है स्टिमुलेटेड या सिग्नल्ड, तो ये इन सब का या ऐसे टर्म्स आते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई सिग्नल आया है, ठीक है, कोई सेंस आई है, तो उसको स्टिमुलेटेड कह रहे हैं। तो जब कोई न्यूरॉन जो स्टिमुलेट किए जाएगी, तो एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटिंग विच स्विफ्टली ट्रैवल्स अलॉन्ग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस मतलब क्योंकि सेल हिल जाती है एकदम से सिग्नल आते ही, तो वो ट्रैवल करेगा अलॉन्ग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू आपका ट्रैवल करेगा। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरल एंडिंग, नर्व एंडिंग जो बताई मैंने आपको, ठीक है, जैसे ही वहाँ पे पहुँचेगा आपका न्यूरल एंडिंग या नर्व एंडिंग तक आपका डिस्टर्बेंस पहुँचेगा, या फिर इसे आउटर जोन कह सकते हो आप, ये ट्रिगर्स इवेंट्स दैट मे कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन। तो ऐसे इवेंट्स होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से जो दूसरा बगल वाला जो न्यूरॉन है उसमें स्टिमुलेशन, जो इस वाले न्यूरॉन में था, पहले न्यूरॉन में था स्टिमुलेशन, वो दूसरे तक पहुँच जाए, ऐसे कुछ इवेंट्स होंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया बिकॉज इट इज़ इन द चैप्टर 21, तो वहाँ पे डिटेल में दे रखा है, बट मैंने आपको तभी भी थोड़ा बहुत आपको समझा दिया है कि कैसे काम करता है। ओके, आर यू क्लियर अबाउट इट? सो दिस वाज इट फॉर द न्यूरल टिश्यू। ओके, एंड दिस इज़ फॉर दिस चैप्टर, वी डोंट हैव द अदर टॉपिक्स इन दिस ईयर। ओके, सो
I hope everybody have understood it. Thank you.